हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा बेदाग, चमकती हुई और हमेशा जवान बनी रहे। लेकिन आज के दौर में हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदलने के कारण कई लोगों को अपनी स्किन की केयर करने का वक्त ही नहीं मिल पाता, और जिनके पास वक्त होता है उनके पास अपनी स्किन केयर करने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं। तो इन सभी परेशानियों का हल मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जिससे जिन लोगों के पास पैसे है लेकिन टाइम नहीं, और जिनके पास टाइम है पैसे नहीं, दोनों तरह के लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को गोरा, निखरा हुआ और चमकदार बना सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल केयर प्लस में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको बेहद ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। दोस्तों एलोवेरा जेल में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्किन को न्यूट्रिशन देते हैं, साथ ही हमारी स्किन के लिए एंटी एजिंग की तरह काम करता है। इसके लिए आपको करीब आधा चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है। इसके बाद हमें चाहिए इवियोन के 400 mg वाले कैप्सूल। ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। इसकी कीमत मात्र 20 से 25 रुपए की होती है। इस कैप्सूल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ई हमारी स्किन को नरिश करता है, झाइयों को दूर करता है और पिगमेंटेशन को खत्म करता है। तो इसके अंदर हमें एक विटामिन ई का कैप्सूल इस तरीके से छेद करके निकालना है और इसका सारा ऑयल एलोवेरा जेल के अंदर डाल देना है। दोस्तों ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है और कई लोगों ने इसे आजमाया है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए एक बार तो कम से कम आप इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करिएगा। अब इसमें हम डालेंगे चने का पाउडर। दोस्तों चने के पाउडर को हम बेसन के नाम से भी जानते हैं। बेसन हमारी स्किन में जो टैन जम जाता है उसे निकालता है, साथ ही त्वचा की सारी इम्प्योरिटीज को निकाल फेंकता है। एक चम्मच बेसन हमें इसमें डाल देना है। अब एक नींबू लेना है और इसे बीच में से काट लेना है और नींबू के रस की कुछ बूंदे इसमें हमें डालनी है। आखिर में हमें इसमें डालना है गुलाब जल। गुलाब जल हमारे रोम छिद्रों में जाकर गंदगी को निकालता है, साथ ही डेड स्किन सेल्स को हटाने का काम भी गुलाब जल करता है। इसके अंदर हमें इतना गुलाब जल डालना है कि जिससे सभी चीजें आपस में अच्छे से मिलकर एक उपटन की तरह बनकर तैयार हो जाए। इसे करीब 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छी तरह मिलाना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाए तो ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने चेहरे पर लगाने से पहले अपने चेहरे को पानी से धो ले, उसके बाद इसे अपने चेहरे पर ब्रश की मदद से लगा ले। इसे लगाने के बाद इसे सूखने तक अपने चेहरे पर लगा रहने दे। इसे सूखने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसके सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोकर इसे साफ कर ले। इसके पहले ही इस्तेमाल से आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर इसे लगाने के बाद आपको त्वचा थोड़ी ड्राई महसूस हो तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा ले। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।